Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss political science CSS past paper 2017 और paper 1 हम discuss कर रहे हैं. तो इसमें हमारा first question है compare and contrast the different political philosophies of the Hobbes and Locke. How are these philosophies implemented in present day political system and policy making? Comparison of the political philosophies of the Hobbes and Locke. So, Thomas Hobbes and John Locke were two influential political philosophers of the 17th century who contributed significantly to the development of the modern political thought. So, both addressed the nature of the government, human nature and social contract, but their views on these topics were quite different. Hobbes and Locke ke mukhtalif siyasi falsafon ka muwazana aur tazad karein. Ye falsafa aaj ke siyasi nizamon aur policy saazi mein kis tarah nafiz hote hain. तो थॉमस होब्स और जॉन लॉक जो थे वो यानी 17 सेंचुरी के दो बासर सियासी फलसफी थे जिन्होंने जदीद सियासी सोच की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया और दोनों ने हुकूमत की नौयत इंसानी फितरत समाजी मुआहदे के बारे में बहस की लेकिन उनके नज़रियात उन मौजूदात पर काफ़ी मुख्तलिफ थे. तो होब्स पोलिटिकल फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इंसानी फितरत का नज़रिया है यानी होब्स का यकीन था कि इंसान फितरतन खुद गर्ज है और खौफ मुकाबला और ताकत के ख्वाहिश से मुतासर होते हैं और उनके नज़रिए के मुताबिक इंसानी फितरत की जो हालत है यानी बग़ैर हुकूमत के मुआशा तनह गरीब और इसके अलावा ज़ालम और मुख्तसर होगी एक मजबूत अथॉरिटी के बगैर इंसान मुस्तकिल तसादम में रहेंगे. और समाजी मुआहदा जो है उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी होब्स ने यह दलील दी कि इस अफरा तफरी से बचने के लिए लोग एक समाजी मुआहदे में दाखिल होते हैं जिसके तहत वो अमन और सलामती के बदले में कुछ आज़ादियों से जो है वो दस्तबरदार हो जाते हैं. ही बिलीव दैट एन एब्सोल्यूट सोवरेन शुड हैव अल्टीमेट अथॉरिटी टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट. उन्होंने यकीन दिलाया कि एक मुतलक खुद मुख्तार बादशाह या हुकूमत को मुकम्मल अख्तियार होना चाहिए ताकि वह नज़्म व ज़ब्त बरकरार रख सके और तसादुम को रोक सके. आइडियल इस गवर्नमेंट है मिसाली हुकूमत होब्स ने एक मजबूत मरकजी हुकूमत की वकालत की जिसकी मुकम्मल ताकत हो अमूमन बादशाह की शक्ल में और उनका यकीन था कि सिर्फ एक मुतलक हाकिम ही एब्सोल्यूट रूलर ही जो है वो शहरियों के लिए अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है. और लॉक की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी व्यू ऑफ द ह्यूमन नेचर यानी उनके मुताबिक इंसानी फितरत का जो नज़रिया था वो लॉक की इंसानी फितरत के बारे में एक मस्बत सोच थी. वो समझते थे कि लोग अमूमी तौर पर जो है वो यानी कि इसके मामूल होते हैं और माकूल होते हैं तामन करने की सलाहियत रखते हैं. उनके मुताबिक इंसानों के पास जिंदगी आज़ादी और मालकियत की जो होते हैं कुदरती हकूक होते हैं जो हालत फितरत में भी मौजूद है और उसके बाद जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उनके मुताबिक लॉ के मुताबिक तो लोग अपनी कुदरती हकूक की हिफाजत के लिए एक समाजी मुआहदे में दाखिल होते हैं. और उसके जो यानी होब्स के बरक्स जो उन्होंने लॉक ने यह यकीन दिला कि हुकूमत को अवाम की खिदमत करनी चाहिए और उनके हकूक की हिफाजत करनी चाहिए. अगर हुकूमत इस में नाकाम हो जाए तो शहरियों को उसे जो है हटाने का हक हासिल है. देन आइडियल गवर्नमेंट तो जो मिसाली हुकूमत है इस उनके ख्याल के मुताबिक तो लॉक ने एक महदूद हुकूमत की हमायत की जहाँ ताकत को कानून के जरिए महदूद किया जाए और ये उन्होंने नुमाइंदा जमहूरियत का यकीन दिलाया जहाँ हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह हो अकाउंटेबल हो. और कंपेरिजन अगर हम करें इन दोनों फिलोसफर यानी फिलोसफर के नज़रियात का और इसमें जो एस्पेक्ट्स हैं पहलू हैं वो ह्यूमन नेचर का है. हॉब्स के मुताबिक सेल्फिश वॉलेंट एंड इन कॉन्ट्रास्ट कॉन्फ्लिक्ट है. लॉ के मुताबिक रीजनेबल कोऑपरेटिव विद नेचुरल राइट्स है यानी मुसलसल तसादम माकूल तामन करने वाले कुदरती हकूक की हामिल इंसानी फितरत है. और स्टेट ऑफ द नेचर दूसरा एस्पेक्ट है तो इसमें हॉब्स के मुताबिक जो है वो हालत फितरत अफरा तफरी और ख़तरनाक अमूमी तौर पर और लेकिन जो अमूमी तौर पर जो लॉ के मुताबिक यानी पीसफुल जो कि पुरमन लेकिन हकूक की हिफाजत की कमी है. और उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट तीसरा पहलू है तो ये जो है वो होब्स के मुताबिक जो है यानी कि समाजी मुआहदा नफरत तफरी से बचने के लिए लोग हाकिम को मुकम्मल इख्तियार देते हैं और उसके बाद टू प्रोटेक्ट नेचुरल राइट्स पीपल गिव लिमिटेड पावर टू गवर्नमेंट ये है ये लॉ के मुताबिक कि कुदरती हकूक की हिफाजत के लिए लोग हुकूमत को महदूद इख्तियार देते हैं. और उसके बाद है गवर्नमेंट का रोल जो कि है होब्स के मुताबिक तो हुकूमत का किरदार नज़्म व ज़ब्त और सलामती को बरकरार रखना होता है और जबकि जो लॉ के मुताबिक यानी हाकिम की ताकत मुतलिक है. हाँ अगर हुकूमत हकूक की हिफाजत में नाकाम हो जाए तो
और उसके बाद मौजूदा सियासी निजामों के ऊपर उसके असरात इन्फ्लुएंस ऑन प्रेजेंट डे पॉलिटिकल सिस्टम्स होप्स इन्फ्लुएंस अथॉरिटेरियन सिस्टम्स होप्स आइडियाज आर रिफ्लेक्टेड इन अथॉरिटेरियन रेजिम्स वेयर लीडर्स हैव स्ट्रांग कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन प्रायोरिटाइजिंग सिक्योरिटी एंड ऑर्डर ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम और होप्स के ख्याल अमरान हुकूमतों में नजर आते हैं जहां रहनुमाओं का आवाम पर मजबूत कंट्रोल होता है सलामती और नज़्म ज़ब्त को अफरातफरी आज़ादियों पर फोकस दी जाती है उसके बाद स्ट्रॉन्ग यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है ऐसे ऐसे ममालिक जहाँ ताकतवर मरकज़ी हुकूमतें हैं जैसे कुछ बादशाह या कुछ यानी कि अमरान रियासतें होप्स के नज़्म ज़ब्त और इख्तियार पर जोर देने के नज़रिया से जो है वो उनको यानी कि समझा जाता है इन्फ्लुएंस समझा जाता है उसके बाद है जो लॉक का इन्फ्लुएंस असर है डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो इसके अंदर लॉक के ख्याल जो हैं जदीद लिबरल जमहूरियतों की बुनियाद हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं यानी हुकूमत ताकत की तकसीम और उसके बाद है यानी कि इंफरादी हकूक जैसे तस्वरात बर रास्त उसके फंस में से निकलते हैं और ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो लॉक के कुदरती हकूक पर जोर देना मौजूदा सियासी डिबेट्स में इंसानी हकूक शहरी आज़ादियों और इंसाफ के ऊपर असरअंदाज होता है और उसके बाद आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन लॉ यानी कानून में समाजी मुआहदे ये तस्वर की हुकूमत अवाम के सामने जवाबदेह हैं जदीद जमहूरी हुक्मरानी के मरकज़ में है खासतौर पर इन निज़ामों में जहाँ शहरियों को गैर मुंसिफाना हुकूमतों को चैलेंज करने की इजाज़त होती है सो होब्स और लॉक जो थे उनके इंसानी फितरत हुकूमत और समाजी मुआहदे के बारे में यानी के जो है मुतज़ाद तस्वरात उन्होंने पेश किए जहाँ होब्स ने नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए एक मजबूत मरकज़ी इख्तियार यानी की वकालत की जबकि लॉक ने जो है वो इंफरादी हकूक और आज़ादी और आज़ादियों की हिफाजत के लिए महदूद हुकूमत की वकालत की तो आज लॉक के नज़रिया ज़्यादातर लिबरल जमहूरी निज़ामों में इम्प्लीमेंटेड हैं नाफिज हैं जबकि होब्स की फलसफाना अमराना और मरकज़ी सियासी निज़ामों के अंदर गूंजता है और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स द मोड ऑफ द प्रोडक्शन इन मटीरियल लाइफ डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस इन लाइफ तो यानी मार्क्स के मुताबिक मादी जिंदगी में पैदावार का तरीका जिंदगी के समाजी सियासी और रहनुमाई अमल के अमूमी किरदार का तयन करता है इसकी वजाहत करें तो कार्ल मार्क्स का जो पैदावार के तरीका पर नजरे और उसका मुआशरत पर असरात है तो कार्ल मार्क्स जो थे वो एक इनकलाबी मुफक्किर और फलसफी थे उनका मानना था कि पैदावार का तरीका जो है यानी मोड ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो किसी मुआशरे में अशिया और खिदमात की पैदावार का तरीका है और जिंदगी के तमाम जो पहलू हैं उनकी तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करता है और उनकी फेमस स्टेटमेंट है कि मादी जिंदगी में पैदावार का तरीका जो है वो समाजी सियासी और रूहानी अमल के अमूमी किरदार का तयन करता है द मोड ऑफ द प्रोडक्शन इन मटीरियल डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस इन लाइफ और कार्ल मार्क्स ने इक्तसादी अवामिल कहा कि वह इक्तसादी अवामिल वो बुनियाद हैं जिन पर मुआशरत का ढांचा कायम होता है मुआशरे की स्ट्रक्चर कायम होती है मोड ऑफ द प्रोडक्शन की अगर हम डिफाइन करें तो पैदावार का तरीका वसायल पैदावार यानी कि कारखाने फैक्ट्रीज लैंड मशीनरी और पैदावारी के तालुकात रिलेशन द प्रोडक्शन सोशल इसके ऐसे रिलेशनशिप बिटवीन दोज हु ओन द मींस ऑफ द प्रोडक्शन एंड दोज हु वर्क ऑन देम यानी पैदावार के ये मालिक हैं लोगों के दरमियान समाजी तालुकात जो वसायल की पैदावार के मालिक हैं वो जो उन पर काम करते हैं उनके मजमूए को जाहिर करता है मार्क्स के मुताबिक हर सोसाइटी हर मुआशरे का एक मखसूस पैदावारी का तरीका होता है जो इसके स्ट्रक्चर उसकी तरक्की को बनाता है तश्कील देता है और हिस्टिकल इसकी एग्जाम्पल्स हैं फ्यूडलिज्म जागीरदारी मुआशरे में पैदावार का तरीका मोड ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो ज़रात के पर मबनी था जहाँ जागीरदार जो थे वो ज़मीन के मालिक थे और किसान इसके ऊपर काम करते थे और ये इक्तसादी जो स्ट्रक्चर था जैसे सियासी और समाजी तरतीब को तश्कील देता था जिसके अंदर बादशाह अशराफिया मजहबी इदारे ताकत रखते थे उसके बाद है सरमायादार जो मुआशरा है यानी सरमायादाराना मुआशरों के अंदर मोड ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो सनती पैदावार और इसके साथ साथ निजी मलकियत के ऊपर यानी कि मबनी होता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द कैपिटल फैक्ट्रीज एंड मशीन्स और वर्कर्स आर द लेबर्स टू कैपिटलिस्ट यानी कि जो पैदावार के वसायल के मालिक होते हैं और जिससे फिर जो यानी कि जो बर्जो साइड्स है यानी बुर्जावजी जो है सरमायदारी तबका जो है वो प्रोलोतारिया यानी मजदूर तबका के दरमियान तबकाती तकसीम जो है वो पैदा होती है इससे और इसका इन्फ्लुएंस है सोशल लाइफ के ऊपर क्लास स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं मीन के तबकाती ढांचा तो मार्क्स ने ये आर्ग्यू किया कि क्या पैदावार का तरीका मुआशरे के अंदर एक जो है तबकाती ढांचा है
क्या क्लास स्ट्रक्चर क्रिएट करता है मुआशरे के अंदर। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक मिसाल के तौर पर एक सरमायादाराना मुआशरे में जो मालकान और मजदूरों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुक है वो तबकाती दर्जा बंदी को डिटरमाइन करता है, क्लास हायरार्की को, एंड लीडिंग टू सोशल इनइक्वालिटी एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो समाजी अदम मसावात और तबकाती तसादम की तरफ लेकर जाता है। देन सोशल रिलेशनशिप है, यानी इसमें समाजी ताल्लुकात हैं जो इजनास की पैदावार है, दिवे गुड्स आर प्रोड्यूस आर शेप्स हाउ पीपल इंटरेक्ट, यानी इजनास की पैदावार का तरीका जो है वो लोगों को के इंटरेक्शंस उनके दरमियान इंटरेक्शंस को यानी कि शक्ल देता है। जागीरदारी जो मुआशरा होता है, फिर जो सोसाइटी होती है इसमें ज़ाती वफादारी और जिम्मेदारी ने ताल्लुकात की वजाहत की है, जबकि सरमायादार मुआशरे में इक्तसादी लेन देन और मादे समाजी ताल्लुकात की बुनियाद बन गए हैं। देन इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल लाइफ, सियासी जिंदगी पर जो इख्तिसात हैं, मार्क्स के मुताबिक हुकूमती तबका जो है वो वसाइल की पैदावार को कंट्रोल करता है, सियासी निज़ाम को भी कंट्रोल करता है, और हुकूमतें और कवानीन जिसमें सरमायादार तबके जो हैं उसके मफादात की हिफाजत करते हैं, और ये सियासी फैसले अक्सर इक्तसादी ताकत से मुतासर होते हैं। फिर स्टेट इज़ अ टूल है, यानी रियासत का एक आला। मार्क्स का ये मानना था, उनको बिलीव था कि रियासत एक डोमिनेंट तबके के लिए अपनी ताकत बरकरार रखने का एक टूल है, और सरमायादाराना सोसाइटी के अंदर मशरे के अंदर इसका मतलब है कि रियासत जो है वह सरमायादाराना मफादात को बरकरार रखने के लिए काम करती है, इनकलाबी तब्दीलियों को रोकने और निजी मलकियत की हिफाजत करने में। देन इन्फ्लुएंस ऑन स्पिरिचुअल एंड आइडियोलॉजिकल लाइफ, रिलीजन एंड आइडियोलॉजी, रूहानी और नजरियाती जिंदगी पर असरात। मार्क्स ने ये मशहूर तौर पर कहा कि मजहब अवाम का जो है वो अफ्यून है, यानी उनको यकीन था कि मजहबी और रूहानी अकायद अक्सर मुआशरे के हकूमती तबके के डोमिनेंट आइडियोलॉजीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, और कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में यानी मिसाल के तौर पर जो कि सरमायादार मुआशरा है इसमें अनफरादियत और सार्फियत, इंडिविजुअलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म का जो इमरजेंस है, नजरियात इस तरह के उभरते हैं जो मुकाबले और मादी कामयाबी को प्रमोट करते हैं और सरमायादाराना ढांचों की हमायत करते हैं। देन कल्चरल और आइडियाज हैं, यानी मोड ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो सकाफती असूलों यानी कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज और अकायद पर असरअंदाज होता है। सरमायादाराना मुआशरों में जो मुनाफा है और निजी मलकियत है इस पर जोर देना तालीम से लेकर फैमिली स्ट्रक्चर तक हर चीज़ पर असरअंदाज होता है, शेपिंग द वे पीपल थिंक एंड बिहेव, जो लोगों के सोचने और बिहेव करने के तरीके को तश्कील देता है। तो मार्क्स जो स्टेटमेंट है वो हाईलाइट करती है जिंदगी के तमाम पहलुओं, समाजी सियासी रूहानी को तश्कील भी देती है, तश्कील देने में मोड ऑफ प्रोडक्शन की अहमियत को भी हाईलाइट करती है, और उनको यकीन था कि मुआशरे का इक्तसादी जो बुनियादी यानी कि स्ट्रक्चर है जो के सुपर स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर, आइडियोलॉजी, सियासी निज़ाम, सकाफत, नज़रिया का तयन करती है, लिहाजा मईशत में तब्दीलियाँ मुआशरे में जो है वो तब्दीलियों का बायस बन सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट रूलर्स एंड रूल्ड इन द सोशियो पोलिटिकल थाट ऑफ द इबन खलदून, यानी क्वेश्चन है हमारा कि इबन खलदून के समाजी सियासी नज़रियात में रियासत हुकाम और अवाम की ऊपर की और नीचे की तरक्की पर बहस करें। इबन खलदून का रियासत हुकाम और अवाम की तरक्की का जो नज़रिया था वो कुछ यूँ था कि 14वीं सदी के मौरख और सोशलिस्ट जो सोशलॉजिस्ट अपने समाजी सियासी नज़रियात में अहम किरदार अदा करने के लिए मशहूर हैं, और उनका काम जो है मुकदमा यानी तारुफ रियासतों और तहजीबों के अरूज और जवाल के एक मुनफरद जो है एक अंडरस्टैंडिंग एक तफहीम पेश करता है, और उनका नज़रिया जो है वो रियासतों हुकाम और अवाम के की जो यानी कि साइक्लिक डेवलपमेंट है उस पर मरकूज है, और जिसमें ताकत और समाजी यकजहती और मुआशरे के जवाल के दरमियान ताल्लुक पर जोर दिया गया है। तो अपवर्ड डेवलपमेंट द रूल ऑफ द स्टेट, यानी ऊपर की जो तरक्की है रियासत का अरूज, तो इब्ने खलदून का मानना था कि किसी भी रियासत की अरूज की बुनियाद जो है वो यानी असबिया या गिरोही जो है वो तवज्जो यानी गुरुही यकजहती होती है, और कबायली या खानदानी जो ग्रुप होते हैं उसमें मजबूत समाजी यकजहती उन्हें इकट्ठा होने और उनके और एक मुतहद सियासी क़वत तश्कील देने के काबिल बनाती है, और ये यकजहती सॉलिडेरिटी रियासत के क़याम के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों को एक मुश्तरका मकसद के तहत इकट्ठा करती है। देन इमरजेंस ऑफ द रूलर्स एज ग्रुप्स विद स्ट्रॉन्ग असबिया
कंक्योर और यूनाइटेड टेरिटरीज यानी हुकाम का उभार, जैसे ही मजबूत असलियत वाले ग्रुप गिरोह इलाका फतह करते हैं या मुतहद होते हैं तो एक रहनुमा या हुकूमती तबका उभरता है। और इब्न खलदून के मुताबिक हुकाम अक्सर खाना बदोश या कबाइल पस मंजर से आते हैं जहाँ इतिहाद और वफादारी का सादा और मजबूत एहसास होता है। तो ये जो रूलर्स हैं हुकाम है अपनी क्यादत और गिरोहों की हिफाजत करने की सलाहियत के जरिए ताकत हासिल करते हैं। उसके बाद है कंसोलिडेशन ऑफ द पावर यानी कि ताकत की ताकत का इस्तेमाल। तो एक बार जब हुकाम अपनी अथॉरिटी कायम कर लेते हैं तो एक रस्मी सियासी निज़ाम या हुकूमत तश्कील देते हैं और इस मरहले पर वो अपने इलाकों की तौसीह करते हैं और कवानीन नाफिज करते हैं और मईशत को मुस्तहकम करते हैं। तो रियासत के ऊपर की जो तरक्की है वो ताकत तौसीह और इस्तेमाल की खसूसियत रखती है। इन रूलर्स रिले ऑन द असबिया ऑफ द पीपल फॉर सपोर्ट और क्योंकि हुकाम अवाम की असबिया पर इनसार करते हैं। देन डाउनवर्ड डेवलपमेंट है द डिक्लाइन ऑफ द स्टेट नीचे की तरक्की रियासत का जवाल। तो जो लॉस ऑफ असबिया है यानी वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हुकाम ताकत में आरामदेह होते जाते हैं तो असल में समाज का इकट्ठा करने वाला जो मजबूत असबिया है वो कमज़ोर होने लगती है। और इब्न खलदून ने ये आर्ग्यू किया कि आराम आसाइश दौलत अक्सर सुस्ती लेजीनेस और करप्शन की वजह बनती है और रूलिंग क्लास जो है यानी कि हुकूमती तबका वो आवाम से मजीद अलहदा होता जाता है, डिसकनेक्ट होता जाता है। जो इतिहाद पहले मौजूद था वो फिर मिटने लगता है। देन अ करप्शन एंड टायरनी एज रूलर डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम द रूल देयर गवर्नेंस बिकम मोर ऑटोक्रेटिक एंड सेल्फ सर्विंग यानी जब हुकाम आवाम से दूर हो जाते हैं तो उनकी हुकूमत ज़्यादा खुद सार खुद गर्ज हो जाती है और आवाम के फलाह बहबूद पर तवज्जो देने के बजाय वो अपने मफादात को तरजीह देते हैं। और इसके अलावा जो करप्शन होती है, इनजस्टिस होता है, इनएफिशेंसी नाकामी जो है रियासत में सरायत कर जाती है और जिसकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। देन वीकनिंग ऑफ द स्टेट है यानी कि रियासत की कमजोरियाँ समाजी ताने बाने के टूटने के साथ साथ जो है वो रियासत अपनी ताकत खो देती है और जो आवाम होती है वो हुकाम से मायूस हो जाते हैं और असबिया जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। और नतीजतन क्या होता है कि रियासत बैरूनी हमलों या दाखिली बगावतों के लिए कमज़ोर हो जाती है। सो दिस मार्क द डाउनवर्ड स्पिरल ऑफ द स्टेट जो इसके जवाल या किसी दूसरे गिरोह के जरिए फतह का बायस बनती है। और इसके अलावा जिसके पास ज़्यादा मजबूत असबिया होता है, साइक्लिकल नेचर ऑफ द डिवेलपमेंट। इब्न खलदून ने यह जोर दिया कि रियासतों का अरूज और जवाल एक साइक्लिक यानी कि डिवेलपमेंट का एक नमूना है, साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करता है और एक जो है एक रियासत जो है वो मजबूत समाजी यकजहती और काबिल क्यादत के जरिए अरूज उसको मिलता है और लेकिन आखिरकार यकजहती के नुकसान करप्शन हुकूमती तबके की कमजोरी की वजह से जवाल पजीर हो जाते हैं। तो जब एक नया ग्रुप जिसकी असबिया मजबूत होती है दोबारा आता है तो ये चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। देन रोल ऑफ द रूल्ड स्पोर्ट ड्यूरिंग द राइज यानी कि ऊपर की ताकत के मरहले में आवाम या आम लोग की रियासत की हमायत असबिया में अपने तामन और वफादारी के जरिए करती है और उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो समाज इक्तसादी और फौजी ढांचों में रियासत को मजबूत करती है। जबकि अगर हम जवाल की बात करते हैं तो जब रियासत जवाल पजीर होती है तो अवाम अक्सर हुकूमती तबके के साथ जो है वो नाउमीद हो जाती है, जुल्म ज़्यादा टैक्स या गफलत की वजह से नाराज हो जाती है, उनकी नाराज़गी जो है वो रियासत की बुनियादों को कमज़ोर करने में किरदार अदा करती है जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो मुतज़लज़ल हो जाती है। तो इब्न खलदून के समाजी सियासी नज़रियात में रियासत की तरक्की के कुदरती जो साइक्लिक हैं नेचुरल साइक्लिक यानी अरूज और जवाल के राइज और फाल की अलामत है और रियासत की कामयाबी की जो की है वो इसकी इस असबिया में है जो हुकाम और अवाम को मुतहद करती है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ ये यकजहती कमज़ोर होती जाती है और आखिरकार रियासत का खात्मा हो जाता है। देन दिस ईयर रिमेंस एलिमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ पोलिटिकल पावर इन स्टेट फार्मेशन थ्रू ऑफ हिस्ट्री और जो यानी कि नज़रिया तारीख भर में सियासत सियासी ताकत और रियासत की तश्कील के डायनेमिक्स को समझने में अहमियत रखता है। और सेक्शन टू में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट आइडेंटिफाई इश्यूज एंड चैलेंजेस टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट इन द मॉडर्न टाइम्स यानी इस्लामी रियासत का तस्वर क्या है, जदीद दौर में इस्लामी रियासत के तस्वर को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस की निशानदेही करें। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट इंट्रोडक्शन
اسلامی ریاست کا تصور اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے جہاں حکومت کو الہی قانون دیوائن الہی قانون کے نفاذ اور معاشرے میں انصاف اور فلاح اور اخلاقیات کے کو فروغ دینے کے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہ ریاست کو صرف ایک سیاسی ادارے کے طور پر نہیں بلکہ ایک اخلاقی کمیونٹی کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے جو اسلامی اقدار کو پروموٹ کرتا ہے فوسٹر کرتا ہے سو کی فیچرز آف دا اسلامک اسٹیٹ اس میں فیچرز ہیں اللہ کی خود مختاری اسلام میں خود مختاری جو ہے وہ اللہ کی ہے یعنی تمام قوانین و حکومت کو قرآن حدیث میں جو دیے گئے الہی رہنمائی ہے اس کے ساتھ ہم آنگ ہونا چاہیے اور یہ جو اسٹیٹ ہے یعنی ریاست کا کردار ہے شریعت کے نفاذ کا ہے جو زندگی کے ذاتی اور اجتماعی پہلوؤں کو شامل کرتا ہے اس کے بعد جسٹس اینڈ ویلفیئر یعنی اسلامی ریاست سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ انصاف یعنی عدل کو برقرار رکھے اور اپنے شہریوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے اور اس میں سماج انصاف کو یقینی بنائے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے ضرورت مندوں کی مدد کرے جس طرح سے زکوٰۃ ہے یا صدقات کے ذریعے اس کے بعد کنسلٹیٹیو گورننس ہے مشاورتی حکومت ہے اسلام میں مشاورت کے تصور جو ہے اس پر زور دیا گیا ہے جہاں رہنماؤں کو جو ہے یعنی کہ اس میں رہنماؤں کو اہم امور کے اوپر کمیونٹی کے ساتھ مشاورت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ شمولیتی نقطہ نظر شہریوں کو فیصلہ سازی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وابستگی اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے پھر ہے اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کہ اسلامی ریاست میں حکام جو ہیں وہ عوام کے سامنے اور پھر اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں اور یہ جواب دہی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکام انصاف کے ساتھ حکمرانی کریں اور کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کریں دین ایشوز اینڈ چیلنجز ٹو دا اسلامک کانسیپٹ آف دا اسٹیٹ ان اے ماڈرن ٹائم جدید دور میں اسلامی ریاست کے تصور کے سامنے مسائل اور چیلنجز سیکولرزم ہے بہت سے مسلم اکثریتی ممالک میں سیکولرزم اسلامی ریاست کے تصور کے لیے ایک اہم چیلنج ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اکثر سیکولر قوانین اپناتی ہے جو شریعت کے ساتھ متصادم ہوتی ہے اور جس سے مذہبی اتھارٹی اور ریاست کے درمیان تنازعات پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ہے پولیٹیکل فریگمنٹیشن یعنی سیاسی انتشار بہت سے اسلامی سوسائٹیوں میں نسلی فرقہ وارانہ اور قبائلی تقسیم کی وجہ سے سیاسی انتشار کا سامنا ہے تو یہ جو انتشار ہے وہ اس بات میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے کہ ہم آہنگ اسلامی ریاست قائم کی جائے جو معاشرے کے تمام طبقات کی تمام سیگمنٹس کی یعنی کہ نمائندگی کرتی ہو اس کے بعد ہے یعنی اتھارٹیرینزم یعنی آمریت کچھ مسلم ممالک میں جو آمرانہ نظام ہے وہ مشاورت اور جواب دہی کے اصولوں کو کمزور کرتا ہے اور یہ حکومتیں اکثر اختلاف رائے کو دبا دیتی ہیں اور سیاسی شرکت کو محدود کر دیتی ہیں جو اسلامی اصولوں کے انصاف اور نمائندگی کے خلاف ہے پھر ہے گلوبلائزیشن عالمی سازی گلوبلائزیشن کا اثر روایتی اسلامی حکومت کے لیے چیلنج پیش کرتا ہے ویسٹرن ویلیوز سچ از انڈیویجولزم میٹرلزم کین کنفلکٹ ود اسلامک ٹیچنگ لیڈنگ ٹو کلچرل اینڈ ایڈیولوجیکل کلیش ود ان دی مسلم سوسائٹیز یعنی اسلامی جو مغربی اقدار ہیں جیسے انفرادیت ہے مادیت ہے اسلامی تعلیمات کے ساتھ متصادم ہو سکتی ہیں جس سے مسلم سوسائٹی میں ثقافتی اور نظریاتی تصادم پیدا ہوتا ہے پھر ہے اکانومک چیلنجز یعنی مینی اسلامک اسٹیٹس بہت اسلامی ریاستیں اقتصادی مسائل جیسے غربت بے روزگاری کرپشن کا سامنا کرتی ہیں اور یہ چیلنجز اسلامی اصولوں کے نفاذ کی طرف توجہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے پھر ہے ریڈیکلزم اینڈ ایکسٹریمزم انتہا پسندی اور شدت پسندی انتہا پسند گروپوں کے ابھرنے جو اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں اسلامی ریاست کے تصور کے لیے ایک اہم چیلنج ہے تو یہ جو گروپس ہیں اکثر تشدد کے جواز کے اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں جو امن اور انصاف کے بنیادی اصولوں کو کمزور کرتا ہے تو اسلامک جو کانسیپٹ ہے اسلامی ریاست کے تصور ہے وہ الہی اصولوں انصاف اور کمیونٹی کی فلاح بہبود کے اوپر مبنی حکمرانی کے اوپر زور دیتا ہے اور تاہم یہ جو جدید چیلنجز ہیں جیسے سیکولرزم ہے سیاسی انتشار ہے اور امریات ہے عالمی سازی ہے اکانومک ڈیفیکلٹیز ہیں اقتصادی مشکلات اور انتہا پسندی اس مثالی تصور کے اصول میں پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں تو ان ایشوز کو یعنی ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے کمپریہنسو نقطہ نظر کی ضرورت ہے جو اسلامی اقدار ایک کمپریہنسو اپروچ کی ضرورت ہے جو اسلامی اقدار کو جدید حقیقتوں کے ساتھ بیلنس کرے تاکہ ایک منصفانہ مساوی معاشرے کی تشکیل کی جا سکے تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے واٹ کریکٹرسٹکس آف دی سوسائٹی لیڈ ٹو اڈاپٹیشنز آف دی فیڈرل فارم آف دی گورنمنٹ اینڈ ہاؤ اٹ کین فنکشن سکسیسفلی ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو کسی معاشرے کو وفاقی حکومت کے قیام کی طرف مائل کرتی ہیں اور یہ کس طرح کامیابی کے ساتھ کام کر سکتی ہیں
characteristics of the society leading to adaptations of a federal form of the government. So वफाकियत एक हुकूमती निज़ाम है फेडरलिज्म जिसमें ताकत को मरकजी अथॉरिटी और छोटे सियासी यूनिट्स जैसे रियासतों और या सूबों के दरमियान तकसीम किया जाता है और कई मुआशरती खसूसियात वफाक हुकूमत के क्याम की तरफ लेकर जा सकती हैं जिससे मुख्तलिफ इलाके और कम्युनिटीज एक बड़े कौमी ढांचे के अंदर जो है वो को एग्जिस्ट हो सकते हैं और की क्रिटिसिस एंड सोसाइटी फेवरिंग फेडरलिज्म यानी कि जो ऐसे माशरे के अंदर जहाँ मुख्तलिफ नस्ली लसानी या फिर सकाफती ग्रोह मौजूद हो वफाकियत इसको संभालने का एक जरिया फराम कर सकते इस डाइवर्सिटी को तो एक वफाकियत के जरिए मुख्तलिफ इलाकों को अपनी जो मुनफरद रवायात और कवानीन के मुताबिक खुद हुक्मरानी की इजाज़त मिलती है जिससे समाजी मांगे को फ़रोग मिलता है और इसके अलावा मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान कशीदगी कम होती है और ग्लोबलाइजेशन साइज एंड वेरिएबिलिटी बड़े ममालिक अमूमन वफाकियत को अपनाते हैं ताकि वसी जुग्राफी इलाकों को मौसर तरीके से मुनज़म किया जा सके और फेडरल सिस्टम जो है वफाकी निज़ाम जो है वो इलाकाई हुकूमतों को मकामी मसाइल और इसके अलावा जो इसमें जैसा कि बुनियादी ढांचा है एजुकेशन है हेल्थ केयर है इसकी देखभाल से निपटने के काबिल बनाता है जो मुख्तलिफ इलाकों में नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हो सकते हैं देन हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका तारीखी पस मंज़र तो तारीखी हालात जैसे कि आज़ादी की ख्वाहिश या मरकजी अथॉरिटी के खिलाफ रिएक्शन रद्द अमल मुआशरों को वफाकी निज़ाम अपनाने पर मजबूर कर सकते हैं वो कौमें जो पहले आज़ाद रियासतों या जो कॉलोनियाँ हैं कॉलोनीज़ हैं उन पर मुश्तमिल हों वो वफाकियत को मकामी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए मुंतखब कर सकती हैं जबकि एक मुतहद मुल्क कायम करती हैं और इकोनॉमिक डिस्पर्टीज इक्तसादी अदम मसावात तो वफाकियत जो है वो इलाकों के दरमियान इक्तसादी अदम मसावात से निपटने में मददगार साबित हो सकती है मकामी हुकूमतें अपने मखसूस जो हालात होते हैं यानी उनके मुताबिक इक्तसादी पॉलिसियाँ तरतीब दे सकते हैं जबकि जिससे इलाकाई तरक्की को फ़रोग मिलता है जबकि दौलत नुमांद इलाकों की मदद से कम तरक्की याफ्ता इलाकों की भी हमायत की जा सकती है जैसे कि मालियात के मुंतकली के जरिए देन कंडीशन फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द फेडरलिज्म क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स तो ताकत की वाज़ह तकसीम यानी वफाकियत के मौसर तरीके से काम करने के लिए मरकजी और इलाकाई हुकूमतों के दरमियान ताकत की वाज़ह तकसीम होनी चाहिए आइन को हर सतह की जिम्मेदारियों और इख्तियारात की वजाहत से बयान करना चाहिए ताकि तनाजात और जो है वो इसके अलावा ओवरलैप से बचा जा सके उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी मुसर रबते और हमांगी कामयाब वफाकी निज़ामों के लिए मुख्तलिफ हुकूमती सतहों के दरमियान मजबूत रबते की ज़रूरत होती है हमांगी इस बात के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मसाइल ऐसे इशूज़ जो कई दायरे इख्तियार में आते हैं जैसे कि आमद रफ्त है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं और अवामी हिफाजत है देन रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनमी खुद मुख्तारी का एहतराम वफाकियत के मौसर तरीके से काम करने के लिए इलाकाई हुकूमतों को अपने मामलात को मुनज़्ज़म करने की हकीकी खुद मुख्तारी हासिल होती है होनी चाहिए और इसमें कवानीन बनाने टैक्स जमा करने और मकामी वसाइल का इंतज़ाम करने की सलाहियत शामिल है बगैर मरकज़ी हुकूमत की गैर ज़रूरी मदाखलत के देन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीज़न शहरियों की फ़ाल शमूलियत एक कामयाब वफाकी निज़ाम शहरियों की मकामी और कौमी सतह पर फ़ाल शमूलियत पर मुनसर है शहरी शमूलियत की हौसला अफजाई यकीनी बनाने में मदद करती है कि हुकूमतें अवाम के सामने जवाबदेह हैं और इनकी ज़रूरियात के मुताबिक अमल करें देन जुडिशल इंडिपेंडेंस अदालती खुद मुख्तारी वफाकी हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए एक आज़ाद अदलिया बहुत ज़रूरी है और अदालतों को ये इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो दोनों मरकजी इलाकाई हुकूमतें जो हैं वो कानून की हुक्मरानी की पासदारी करें और फ्लैक्सीबल अडाप्टेशन हैं यानी लचकदारी जो मफाकियत है तो वफाकी निज़ामों को जो फेडरल सिस्टम है मस्ट बी अडाप्टेबल टू चेंजिंग सरकमस्टांसिस जैसे कि आबादियाती तब्दीलियों का या इक्तसादी तब्दीलियों के मुताबिक ढालने की ज़रूरत है तो एक आयन जो तरमीम यानी कि जो के अमेंडमेंट्स यानी तरमीमात और एडजस्टमेंट्स की इजाज़त देता हो वो वफाकियत को बात के साथ साथ मौसर मुतलका रखने में मददगार साबित हो सकता है तो वफाकी हुकूमत की क्याम की वजह अक्सर माशरती खसूसियात जैसे सकाफती डाइवर्सिटी है और जोग्राफी यानी कि साइज़ है और इसके अलावा तारीखी पस मंज़र इक्तसादी अदम मसावात होती है
تو وفاقیت کے کامیاب عمل کے لیے واضح طاقت کی تقسیم اور اس کے ساتھ ساتھ مؤثر رابطے افیکٹو کمیونیکیشن اور خود مختاری کا احترام شہریوں کی فعال شمولیت عدالتی خود مختاری اور اس کے علاوہ فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے جب یہ شرائط پوری ہوں دین فیڈرلزم کین افیکٹ مینج ڈائیورس سوسائٹیز وائل پروموٹنگ یونٹی اینڈ اسٹیبلٹی اور اس وقت جو ہے مؤثر طریقے پر جو ڈائیورس معاشرے ان کا انتظام کر سکتی ہے وفاقیت اور جب اتحاد اور استحکام کو فروغ دیتی ہے سو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دا ڈفرنٹ رولز پلیڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز اینڈ انٹرسٹ گروپس ان میکنگ پبلک پالیسی سیاسی جماعتوں اور مفاداتی گروہوں کے عوامی پالیسی بنانے میں مختلف کرداروں کا موازنہ اور تضاد تو پولیٹیکل پارٹیز اور انٹرسٹ گروپ جو ہیں مفاداتی گروپ وہ سیاسی منظر نامے کے اہم کمپوننٹس ہیں اگرچہ دونوں عوامی پالیسیوں کو تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو لیکن یہ کام مختلف طریقوں اور مختلف مقاصد کے ساتھ کام کرتے ہیں اختلافات کو سمجھنا جو ہے ڈفرینسز کو سمجھنا جو ہے وہ یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جمہوری معاشروں میں پالیسیاں کس طرح تیار اور نافذ کی جاتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اگر ہم ڈیفائن کریں یعنی سیاسی جماعتیں تو یہ منظم گروہ ہیں جو انتخابات جیت کر سیاسی طاقت حاصل کرنے اور حکمرانی کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور ان کا بنیادی مقصد بڑی سطح کے اوپر مفادات اور نظریات کی نمائندگی کرنا ہوتا ہے جو اکثر مخصوص یعنی پلیٹ فارم یا پالیسیوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں اور یہ جو انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور تاکہ حکومت کے عہدوں پر کنٹرول حاصل کر کے عوامی پالیسیوں کو متاثر کر سکیں اور جو انٹرسٹ گروپ ہیں مفاداتی گروہ ہے تو جنہیں وکالتی گروہ یا دباؤ کے گروہ بھی کہا جاتا ہے وہ تنظیمیں ہیں جو عوامی پالیسیوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ کسی مخصوص مفاد یا مقصد کو فائدہ پہنچایا جا سکے اور یہ مخصوص جو اسپیسیفک ایشوز ہیں مخصوص مسائل پر توجہ دیتے ہیں جیسے ماحولیاتی تحفظ ہے اور کاروباری انٹرسٹ ہے اور حقوق یا سماجی انصاف ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی پالیسیوں کی وکالت کریں جو ان کے مقاصد کے ساتھ ہم آنکھ ہوں دین رول آف ان پبلک پالیسی میکنگ رول آف دا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی کہ اس میں عوامی پالیسی بنانے کے اندر جو کردار ہے سیاسی جماعتیں امیدواروں کی بھرتی کرتی ہیں وسائل فراہم کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انتخابی کمپینز کا انعقاد کرتی ہیں تاکہ اپنے امیدواروں کو جیتنے میں مدد کر سکیں اور اس طرح سے وہ اپنی پالیسیوں کو نافذ کرنے کے لیے قانون سازی کی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے بعد پلیٹ فارم ڈیولپمنٹ ہے یعنی جماعتیں اپنے جماعتیں جو ہیں جامع پلیٹ فارم تیار کرتی ہیں جو مختلف مسائل کے اوپر ان کے موقف کی وضاحت کرتی ہے اور یہ پلیٹ فارم جو ہیں ان کی پالیسیوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں اور لیجسلیٹو ایکشن ہے قانون سازی کی کارروائی ہے تو جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو سیاسی جماعتیں قانون سازی کی تجویز دیتی ہیں بحث کرتی ہیں اور اپنے پلیٹ فارم کے مطابق جو ہے وہ قانون پاس کرتی ہیں اور ان کا اہم کردار تمام حکومت کی سطحوں پر لیولز پر قوانین اور ضوابط کی تشکیل میں ہوتا ہے پھر کوالیشن بلڈنگ ہے یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سیاسی جماعتیں اکثر بناتی ہیں تاکہ یعنی اکثر دوسرے جماعتوں یا گروہوں کے ساتھ جو ہے وہ کوالیشن بناتی اتحاد بناتی ہیں اور خاص طور پر تاکہ اپنے جو ان کے کامن انٹرسٹ ہیں ان کو آگے بڑھا سکیں خاص طور پر ملٹی پارٹی سسٹم کے اندر تو یہ جو تعاون ہے کولابریشن ہے یہ مخصوص پالیسیوں کو قانون سازی کے عمل سے آگے بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم مفاداتی گروہ کے کردار کی بات کرتے ہیں تو یہ لابنگ کرتے ہیں مفاداتی گروہ مخصوص مسائل کی وکالت کرتے ہیں قانون سازوں اور حکومت کے جو اہلکار ہوتے ہیں گورنمنٹ آفیشلز ان کے ساتھ لابنگ کرتے ہیں اور تاکہ معلومات تحقیق اور قائل کرنے والے دلائل دیتے ہیں تاکہ فیصلہ سازوں کو متاثر کر سکیں اس کے علاوہ یہ پبلک کمپین کرتے ہیں مفاداتی گروہ اکثر عوامی حمایت کو متحرک کرنے کے لیے بنیادی کمپینز کرتے ہیں اور تاکہ پالیسی سازیوں پر دباؤ ڈال سکیں اس میں احتجاج کیے جاتے ہیں اویئرنیس کمپینز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے تاکہ ان مسائل کو یعنی کہ بڑھایا جا سکے اس کے متعلق آگاہی کو اور اس کے بعد ہے اس کے اندر مفاداتی جو گروہ ہوتے ہیں وہ اکثر اپنے مفادات سے متعلق خاص معلومات اور ڈیٹا بھی فراہم کرتے ہیں جس سے جو یعنی پالیسی سازی ہیں ان کو مخصوص مسائل کی پیچیدگی کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے تو اس طرح سے جو وہ پالیسیوں کے نفاذ کے اوپر بھی رپورٹ کر سکتے ہیں اور ان تبدیلیوں کے مفادات سے یعنی کہ بھی ہم آہنگ وہ ان تبدیلیوں کی وکالت کر سکتے ہیں جب پالیسیاں ان کے مفادات سے ہم آہنگ نہ ہوں اور اس کے علاوہ انفلوئنسز کے اندر کچھ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں عام طور پر جو ان کا یعنی کہ بڑھ ہوتا ہے اسکوپ
वो बड़ा होता है और जो मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सतह पर पॉलिसियों को मुतासर करने की कोशिश करते हैं और उनका इन्फ्लुएंस उनके इंतखाबी कामयाबी और हुकूमत करने की सलाहियत से जुड़ा होता है। वो जो मफादाती ग्रुप होते हैं वो मखसूस मसाइल या इलाकों पर तवज्जो देते हैं अक्सर एक तंग एजेंडे के साथ और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो अपने मफादात से मुतलिक मखसूस पॉलिसियों के ऊपर होता है। और अगर इन्फ्लुएंस की अगर मेथड्स की बात करते हैं तो इसमें सियासी जमातें आती हैं जिन्हें अवामी पॉलिसियों को तश्कील देने के लिए इंतखाबी अमल और कानून साजी की हिकमत अमल इत्तेहाद की तश्कील जैसे तरीके इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो मफादी ग्रोह है वो वकालत लॉबिंग अवामी जो कैंपेन्स होती हैं शहरी शमूलियत इसको मुतहरक करने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं ताकि तब्दीली ला सकें। तो ये एक सियासी जमातें जो हैं वो और मफादाती ग्रोह अवामी पॉलिसी साजी के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं लेकिन वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये काम करते हैं। और सियासी जमातें इंतखाबात के इक़्तदार हासिल करने और वसी प्लेटफार्म की बुनियाद के ऊपर हुक्मरानी का करने का मकसद भी रखती हैं जबकि जो मफादाती जो ग्रोह है वो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है। और सियासी जमातें इंतखाबात के इक़्तदार हासिल करने और वसी प्लेटफार्म की बुनियाद पर हुक्मरानी का मकसद रखते हैं जबकि मफादाती ग्रोह मखसूस मसाइल की वकालत करते हैं बराह रास्त पॉलिसी साजी को मुतासर करता है। तो इन डिफरेंसेस को समझना ये वाजे करता है कि मुख्तलिफ मफादात और एजेंडे माशरे की हुकूमती कवानीन और पॉलिसियों को किस तरह तश्कील देते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द फासिज्म एंड व्हाई इज इट कंसीडर्ड टू बी द चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी मस्ट प्लेस इन यूरोप। फासिज्म क्या है और ये क्यों समझा जाता है कि 20वीं सदी के पहले नेस के यूरोपीय वाकयात का नतीजा है। तो फासिज्म इज अ फार राइट अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट इमर्ज इन यूरोप ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। फासिज्म एक इंतहाई दाएं बाजू की आमराना सियासी नजरिया जो 20वीं सदी के आगाज में यूरोप में उभरा और ये आमराना ताकत इंतहा पसंद कौम परस्ती मुखालफत को दबाने की खसूसियत से जुड़ी है। और फासिज्म पहली जंग अजीम के बाद ये नुमाया है और फासिज्म पहली जंग अजीम के बाद जाहिर हुई और सेक्शन में फासिज्म की तारीफी खसूसियात को हम बयान करेंगे और 20वीं सदी के इंतहाबी जो इब्तदाई यूरोप वाकयात हैं और उसका नतीजा क्यों समझे जाते इसकी वजाहत करेंगे। तो फासिज्म की जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बुनियादी खसूसियात हैं उसमें आता है आमराना हुकूमत। फासिज्म एक ताकतवर मरकजी हुकूमत की वकालत करता है जिसकी क्यादत एक वाहिद रहनुमा या एक जमात करती है इंफरादी आज़ादियों और जमहूरी तरीक़ाकार को अक्सर दबाए जाते हैं। फिर कौम परस्ती है फासिज्म का एक मरकजी नुकता इंतहाई कौम परस्ती है जहाँ कौम रियासत के मफादात को इंफरादी हकूक आज़ादियों पर तरजीह देती है। फिर यानी कि है मिलिटरिज्म फौजी ताकत फासिज्म हुकूमतें आमतौर पर फौजी ताकत और तसी पसंदी की जो है यानी ग्लोरीफाई करते हैं उसको और जंग को कौमी तजदीद और डोमिनेंस के हसूल के लिए एक जरिए के तौर पर देखती हैं। एंटी कम्युनिज्म इसके अंदर यानी फासिज्म अक्सर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट नजरियात के खिलाफ होता है और जो यानी कि इसके उन्हें कौम और समाजी निज़ाम के लिए ख़तरा समझता है। प्रोपेगेंडा और कंट्रोल है यानी कि इसमें जो अवामी राय है उसको कंट्रोल करने और इस्तेमाल यानी कि करने की जो ताकत है यानी कि इसके अंदर ताकत को बरकरार रखने के लिए प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया और तालीम को अपने नजरिया की तरवीज के लिए इस तरवीज के लिए भी इसमें इसके अंदर मैनिपुलेटिंग की जाती है। यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर फासिज्म का देखें यूरोप में तो पहली जंग अजीम के बाद की जो बेचैनी है वो पहली यानी कि यूरोप भर में बड़े सतह के इक़्तिसादी और समाजी बेचैनी यानी कि उसकी वजह से फैल गई और ममालिक को जो है वो बेरोजगारी उन्होंने अफरात इज़हार और सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना किया और जिसकी वजह से जो है वो हुकूमत मौजूदा हुकूमतों के बारे में बड़ी सतह के ऊपर मायूसी पैदा हुई और बहुत से लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए इंतहा पसंद नज़रियात की तरफ रजू किया और फासिज्म लिबरल जमहूरियत सोशलिज्म की नाकामी के जवाब में उभरा था। और फासिस्ट लीडर्स का जो राइज था यानी जो इसके अंदर थे प्रोमिनेंट यानी फिगर्स में बेनिटो मेसलोनी जैसी अहम शख्सियात थी इटली में और हेडलॉक हिटलर जैसे रहनुमा थे जर्मनी के अंदर। तो उन्होंने इस बात के इंतजार का फ़ायदा उठाकर फासिस्ट हुकूमतें कायम करने में वो कामयाब हुए और इसके अलावा उन्होंने कौमी हया इक्तसादी इस्तेकाम और समाजी निज़ाम का वादा किया और इसके साथ साथ इसमें जो एक ऐसी आबादी की अपील की जो तब्दीली की तलब में थी और जो मेसलोनी थे उनका 1922 में रोम की तरफ मार्च और 1930 की दहाई में हिटलर का इंतजार में आना इस बात की मिसालें हैं कि किस तरह एक रहनुमा कौम परस्त जज्बात को काबू में करके कंट्रोल हासिल कर सकते हैं जो कि यानी कि इसके अंदर जो यानी कि
रहनुमा होते हैं, क्रिस्मेटिक लीडर्स होते हैं, वो जो है वो जज्बात को काबू कर सकते हैं कौम परस्त के। और इसके अलावा जो फासिज्म की खसूसियात और 20वीं सदी के इब्तदाई वाक़ियात हैं उनका अगर हम रद्द अमल देखें तो इक्तसादी मुश्किलात के जवाब में 1920 की दहाई के आखिर और 1930 की दहाई के यानी कि स्टार्ट में आगाज़ में अजीम जो फसाद बाजारी थी तो उसने यूरोप में इक्तसादी हालात को मज़ीद ख़राब किया। और इसके अलावा जिसने इक्तसादी बहाल इस्तेहकाम का वादा करने वाले फासिस्ट तहरीकों के हमायत को बढ़ाया। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसमें बहुत से मुल्क मुख्तलिफ ग्रुप इसमें कम्युनिस्ट शामिल थे और सोशलिस्ट की तरफ से सियासी टूट फूट और तशद्दुद का सामना कर रहे थे। तो फासिज्म ने खुद को एक मुस्तहकम हुकूमत के तौर पर पेश किया जो नज़्म व ज़ब्त और कौमी इत्तेहाद को बहाल कर सकती है। इसके अलावा सोशल डार्विनिज्म और नस्ली नज़रियात हैं, यानी जो फासिज्म है वो अक्सर सोशलिस्ट डार्विनिज्म से मुतासर होता है और कौमी बदतरी और नस्ली जो पाकिजगी है प्योरिटी है इसके ख्याल को प्रमोट करता है। यह खासतौर पर नाजी जर्मनी में वाज़े था जहाँ एक वो बड़ी फासिस्ट एजेंडे के तहत यहूदियों के खिलाफ पॉलिसियाँ नाफिज की गई थी। तो फासिज्म को 20वीं सदी के पहले निस्फ का नतीजा समझा जाता है क्योंकि इसकी उभरती हुई शक्ल के पीछे मखसूस तारीखी वाक़ियात मौजूद हैं और जो यूरोप में इसके तरक्की की बुनियाद बने और पहली जंग अजीम के बाद की जो अदम इस्तेहकाम है और इक्तसादी मुश्किलात हैं वो सियासी नाराज़गी और इसके अलावा कौमी शनाख्त की तलाश ने फासिस्ट नज़रियात के फलने फूलने के लिए साजगार माहौल दिया थ्रो अथॉरिटेरियन गवर्नेंस एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड मिलिट्री टेररिस्टिक एस्पायरेशंस, यानी कि जो इंतहाई कौम परस्ती है फौजी अजायम के जरिए फासिज्म ने यूरोप के सियासी मंजरनामे पर गहरे असरात मुरतब किए और जिनके नतीजे आज भी जो है वो जेरे मुताला हैं कंटिन्यू टू बी स्टडीड टुडे। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।